गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे सब्जेक्ट इज मैथ्स। आज हम मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, पेज नंबर 74 to 80। वी आर लर्न अबाउट द मल्टीप्लिकेशन लास्ट ईयर। आज हम टू डिजिट वन डिजिट का मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे विथ द नंबर लाइन्स। यहाँ पर स्पोर्ट्स डे इन द जंगल इज टू बी हेल्ड सून। द रैबिट आर प्रिपेरिंग फॉर द लॉन्ग जंप। बनी, सनी, मुन्नू, चुन्नू एंड टुन्नू आर टेकिंग जंप्स ऑन द नंबर लाइन ड्रॉ। व्हेयर डू दे रीच ड्रॉ द जंप्स वन हैज बीन डन। यहाँ पर वन कर दिया गया है 7 × 2। सेवन टाइम्स जंप करना है। 2 करके 7 जंप करना है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। तो 7 टाइम कितने बार जंप किया है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 टाइम्स जंप किया है। तो कहाँ पर बचा है? 14। तो आंसर इज 14। सनी जंप करेगा 6 टाइम, कितने करके? 3 करके 3, 0 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 15, 15 से 18। तो आंसर इज 18। 3 × 3 यहाँ से 3, 3, 9 तो आंसर इज 9। 3 × 5 करके 3 times जंप करना है। तो आंसर इज 15। 4 करके 4 times जंप करना है। 4, 8, 12, 16 तो आंसर इज 16। 2 फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। 8 × 5, 8 × 8 का टेबल में 8 × 5 = 40। 6 × 2, 6 × 2 = 12। 5 × 4, 5 × 4 = 20। 9 × 4, 9 × 4 = 36। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग द प्रोडक्ट इज गिवन, फिल इन द मिसिंग नंबर। 5 × - = 25। मतलब 5 का टेबल्स में 25 कहाँ पर है? तो 5 × 5 = 25। 6 × - = 18। 6 का 6 टेबल में 18 कहाँ पर है? 6 × 3 = 18। फिलिंग द ब्रांच 4 numbers, फिलिंग द ब्रांच राइट द प्रोडक्ट इन द बॉक्स ऑफ ईच ऑफ द कॉलम्स। 4 × - = 3 × 4 = 4 × - यहाँ पर क्या लिखा है? 3 × 4। तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर क्या लिखना है? 3 लिखना है। यहाँ पर 3 × 4 है, तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। 3 × 4, 4 × 3 = 3 × 4 और इक्वल टू 12। 3 × 4 = 12, 4 × 3 = 12। तो 7 × - = 2 × 7। यहाँ पर 2 × 7 लिखा हुआ है, यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 लिखना है हमको। 7 × 2 = 2 × 7। तो आंसर इज 14। फाइव नंबर्स, मल्टीप्लाई ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। 26 × 1, 1 × 6 = 6, 1 × 2 = 2। तो यहाँ पर कितना हुआ ना? 26 हुआ। 62 × 5, 5 × 2 = 10। तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, 2, 5, 6 = 30 प्लस 1 तो 31। फाइंड द प्रोडक्ट 6 नंबर, इसको तुम लोग करोगी। 16 × 1, 16 × 1 = 16। तो 78 × 5 तो मल्टीप्लाई करके लिखना। 126 × 3 मल्टीप्लाई करके लिखना। 342 × 2 को मल्टीप्लाई करके लिखना। सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। ए चॉक बॉक्स कंटेन 3 चॉक्स। एक चॉक बॉक्स में
थ्री चक्स रहता है। देर आर 245 चक बॉक्सेस, एक चक बॉक्स में थ्री चक्स रहता है। तो यहाँ पर बॉक्स कितना है, 245 बॉक्स है। 245 बॉक्स में कितना चक रहेगा, तो यहाँ पर हमको 245 × 3, तो इसके मल्टीप्लाई करके लिखोगे। इन ए ट्रक देर आर 450 बॉक्सेस ऑफ मैंगोज, एक ट्रक में 450 बॉक्स मैंगो होगा। इफ वन बॉक्स हैज टू मैंगोज, वन बॉक्स में टू मैंगोज, तो हाउ मेनी मैंगोज आर देयर इन टोटल। तो एक ट्रक में 450 बॉक्स है, 50 बॉक्सेस मैंगोज है, तो इफ वन बॉक्स हैज वन बॉक्स में टू मैंगोज, वन बॉक्स में टू मैंगोज, तो ट्रक में कितना बॉक्स है, 450 बॉक्स है। तो यहाँ पर हम क्या करना है, 450 × 2, इसको मल्टीप्लाई करना है। 2 × 0 = 0, 2 × 5 = 10, 0 रखी को 1 हुए कैरी, 2 × 4 = 8 + 1 = 900, द आंसर इज 900। अब हम फैक्टर और प्रोडक्ट, फैक्टर्स और प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। व्हेन वी मल्टीप्लाई 6 by 4, वी गेट 24। जब हम 6 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हम कितना पाएंगे, ना 24 पाएंगे। 6 × 4 = 24, इन शॉर्ट शॉर्ट में हम लिखते हैं 24। हियर 6 और 4 आर कॉल्ड द फैक्टर्स। 24 का फैक्टर कौन है, 6 है, 4 है। 24 का फैक्टर 6 और 4 है। 5 × 5 = 25, तो यहाँ पर फैक्टर कौन है, यहाँ पर 5 एक फैक्टर है, यहाँ पर 5 भी फैक्टर है, तो 25 इज द प्रोडक्ट। ये दोनों फैक्टर्स है वो प्रोडक्ट है। 4 × 3 = 12, तो 4 यहाँ पर फैक्टर है, 3 भी यहाँ पर फैक्टर है, तो रिजल्ट इज प्रोडक्ट। तो एग्जाम्पल, फाइंड द प्रोडक्ट 3 and 8, 8 × 3 = 24, देन प्रोडक्ट इज 24। तो यहाँ पर 8 फैक्टर है, 3 भी फैक्टर्स है, तो 24 इज द प्रोडक्ट। एग्जाम्पल 2, फाइंड द मिसिंग फैक्टर्स, यहाँ पर फैक्टर मिसिंग है, यहाँ पर लिखना है -7 = 56। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 8 कैसे हम जानेंगे, तो 56 7 = 56, किस टेबल का 7 = 56 है, तो 8 7 = 56 है। अनदर वे से 56 को हम 7 से डिवाइड कर लेंगे तो 8 आंसर इज 8 होगा, तो मिसिंग फैक्टर इज 8। द 8 × 7 = 56। वी कैन इजीली फाइंड आउट फ्रॉम द टेबल 7 फ्रॉम द मिसिंग फैक्टर, सो इट इज बिकॉज 8 × 7 = 56। तो यू डू द एक्सरसाइज 5.1, 4 × 3 = 6 × 5 = 8 × 3 = 9 × 5 = 6 × 3 = 6 × 10, तो यहाँ पर -3 = 18। तो किस टेबल में 18 है, तो 6 × 3 = 18, तो यहाँ पर 6 लिखना है, तो 3 × 6 = 18, 6 × 3 = 18। तो इसको तुम लोग करोगी, बुक में करोगी, तो मल्टीप्लाइंग द 3 digit numbers। अब हम मल्टीप्लाइंग 3 digit numbers के बारे में जानेंगे। मल्टीप्लाई, यू हैव टू लर्न अबाउट द 2 digit number। तो आज हम मतलब 3 digit numbers को पढ़ेंगे। 162 × 3, 162 को 3 से हम मल्टीप्लाई करना होगा। 3 × 2 = 6, 3 × 6 = 18, 18 से 8 हम यहाँ पर रखेंगे, 1 कैरी करेंगे, यहाँ पर रखेंगे 3 × 1 = 3, प्लस यहाँ पर जो 1 रखा हुआ है इसको साथ इसके साथ इसको एडिशन करना होगा। 3 × 3 + 1 = 4, तो आंसर इज 486। 195 से
हमको 4 से मल्टीप्लाई करना है। 4 5 जा 20, 20 से 0 रखकर 2 को हम कैरी करना होगा। 4 9 जा 36, यहाँ पर कितना रखा हुआ है 2, 36 प्लस 2 38, 38 से 8 रखकर 3 कैरी करना है। 4 1 जा 4 प्लस 3 7, तो यहाँ पर आंसर इज 780। कम टू द नेक्स्ट पेज। तो यहाँ पर 432 से हमको 6 को मल्टीप्लाई करना होगा। अनदर एग्जांपल, 432 2 6 2 12 2 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
सिक्स, यहाँ पर वन रखेंगे, फोर वन जा फोर प्लस वन फाइव, द आंसर इज 564. कम टू द नेक्स्ट पेज. तो ये सब तुम लोग बुक में करोगी. यहाँ पर फोर फोर जा सिक्सटीन, सिक्सटीन से वन हुआ कैरी, फोर टू जा एट प्लस वन नाइन, फोर सिक्स जा 24, तो आंसर इज 2496. Come to the next page. Can you see a pattern any number multiplied by 10? तो इस नंबर को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. सी 33 इंटू 10, 10 से हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, तो इस 33 इंटू 10 इसको करना 0 जीरो वन थ्री जै थ्री वन थ्री जै थर्टी थ्री से 10 को मल्टीप्लाई करने, जीरो थ्री जा जीरो, जीरो थ्री जा जीरो, वन थ्री जा थ्री, वन थ्री जा थ्री, तो ये लॉन्ग प्रोसीजर होगा. 330 होगा तो लॉन्ग प्रोसीजर होगा. तो इसके बाद हम एक और प्रोसीजर करेंगे क्या, ना 333, तो यहाँ पर हम ऐसे जीरो लिख लेंगे, तो जीरो थ्री वन जीरो थ्री 330 होगा. फोर तो आप ऐसे करेंगे तो इजी प्रोसीजर होगा. 456 इंटू 10, तो यहाँ पर हम 456 लिख देंगे, जीरो यहाँ पर जीरो है, यहाँ से जीरो रख लेंगे, तो 4560 होगा. तो 2346 इंटू 10, 2446 लिख देंगे, यहाँ पर जीरो है तो यहाँ पर जीरो रख देंगे, तो 23460 होगा. तो व्हाट अबाउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 20, 30, 40, तो यहाँ पर जीरो, यहाँ से हम 42 से 20 को यहाँ पर जीरो रख लेंगे तो इजी होगा. 20 जा जीरो, 24 जा फोर, 24 जा एट, ऐसे भी हम कर पाएंगे. जीरो को यहाँ पर ऐड कर देंगे तो इजी हो जाएगा. 30 जा जीरो, 33 जा नाइन, 33 जा नाइन. मल्टीप्लाई में हंड्रेड, सिक्स इंटू हंड्रेड, सिक्स इंटू हंड्रेड, सिक्स इंटू हंड्रेड मीन्स हंड्रेड इंटू सिक्स, सिक्स जीरो जा जीरो, सिक्स वन जा सिक्स हंड्रेड, तो आंसर इज 600. 23 इंटू हंड्रेड, तो यहाँ पर हम 23 लिख देंगे, हंड्रेड में कितना जीरो है, टू जीरो है,
तो यहाँ पर हम 20 लिख लेंगे, तो द आंसर इज 2300। 12 × 100, 12 यहाँ पर हम 12 लिख लेंगे, 100 से 20 है तो 20 हम रख देंगे तो 1200। 53 × 100, 53 यहाँ पर हम 53 लिख लेंगे, यहाँ से 20 इसके बाद लिख लेंगे तो 5300 होगा। व्हाट अबाउट द मल्टीप्लाइंग बाय 200, 300, 400, सो जैसे भी चलेगा। 300 से 200 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे ही होगा, 3 × 2 = 6, तो यहाँ पर 20 है रख देंगे। 12 को 300 से मल्टीप्लाई करने कैसे करेंगे, 12 × 3 = 36, 20 है रख देंगे, 3600 होगा। 14 × 400, 14 × 4 = 56, यहाँ पर 20 है 0। 11 × 700, 11 × 7 = 77, यहाँ पर 20 है तो 7700। Come to the next place. Do the exercise 5.3. 43 × 1, 43 × 1, 43. 215 × 10. तो 215 यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर 10 में 10 है तो द आंसर इज 2150। यहाँ पर 12 × 40, 12 × 40, 12 × 4 = 48, यहाँ पर 0 0। 15 × 20, 15 × 2 = 30, यहाँ पर एक 0 है, 0 लिख लेंगे तो आंसर इज 300। 6 × 100, 6 × 100, 600। 25 × 100, यहाँ पर 25 × 1 = 25, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर लिख लेंगे तो 2500। तो यहाँ पर 6 × 300, 6 × 3 = 18, यहाँ पर 20 है, यहाँ से लिख देंगे तो 1800। 7 × 200, 7 × 2 = 14, यहाँ पर 20 है, 1400। तो फिल इन द ब्लैंक्स, 5 नंबर्स फिल इन द ब्लैंक्स। 73 × - = 0, यहाँ पर 0। हम जब जिस नंबर से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट इज 0 होगा, तो यहाँ पर हम 0 लिखना है। 10 × 200 = 220, तो यहाँ पर हम 22 कैसे जानेंगे ना, 220 को 10 से डिवाइड करने के बाद भी जान सकते हैं, नहीं तो यहाँ से 222 लिखा है, 10 से 22 को मल्टीप्लाई करने के बाद 220 होगा, तो यहाँ पर आंसर 67 होगा। 67 × 100 तो 6700 होगा। 6500, 12 × 600, 6512, तो यहाँ पर 1 होगा, तो इटसेल्फ 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद तो रिजल्ट इज इटसेल्फ 10। यहाँ से800 × 11 = 8000। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना है, तुम लोग सब इसको बुक में कर लेना। ओके, थैंक यू।